एक बात हमारे विपक्षी लोग बार बार बोलते हैं कि साहब कर्जा माफ नहीं किया, राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव वादा किया था। मैं उनको कह रहा हूँ झूठ बोलना छोड़ो, झूठ बोलना पाप है, पुरानी कहावत है, सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, गांधी जी ने कहा था। ये मैं आपको कुछ उदाहरण दूँ जो आपको मालूम पड़ेगा। ये नानक राम जाट है, गांव धनकिया जयपुर का है, लेकिन 14,42,000 कर्जा माफ हुआ है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का। एक राम सिंह गुजर है दोसा का, उसका 5,20,000 रुपये कर्जा माफ हुआ। एक राम खिलाड़ी मीणा है राजगढ़ का, अलवर का, इसी जिले का, उसे 3,00,000 रुपये कर्जा माफ हुआ है। और एक देवीलाल है राजनगर का, गंगानगर का, उसका PLDB प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक होती है जहाँ जमीन रहन रखनी पड़ती है, तो हमने उनका 18,38,000 रुपये कर्जा माफ किया, तो उसकी रहन रखी हुई जमीन छूट गई। ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। उसके बाद में इनको शर्म भी नहीं आती है, एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच का एहसास होता है, उस थोड़ी पे चल रहे हैं। मैंने पता नहीं आपको कहा या किसी को कहा कि वो जो गोवेल्स था, गोवेल्स, ये पता नहीं कि मामा का भाई लगता था क्या लगता था, उसी ढंग के ही लोग बिहेव कर रहे हैं, गोबर की तरह बिहेव कर रहे हैं। पता नहीं उनके क्या भाई लगता था, भतीजा लगता था, समझ नहीं आती। अंग्रेजी में आप लोग सीख लेता हूँ। तो आप बताइए, कुछ कुछ रिश्तेदारी है इनकी, BJP गोबर से रिश्तेदारी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, दोनों की सोच एक सी है। मतलब हर चीज में झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं, कब तक झूठ बोल के राज करेंगे, ये टाइम बताएगा।